दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलयुग की। जी हाँ, कलयुग के बाद का युग कैसा होगा, यानी कलयुग का अंत कैसे होगा और उसके बाद का युग कैसा होगा, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को चार युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ एक चौथाई अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में यह चरितार्थ उठा हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार है, प्रतिशोध है, लालच है, आतंक है, ये सभी हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ, या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा, उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद युग कैसा होने वाला है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होता है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़े कथा का वर्णन भी किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब भगवान विष्णु ने वो सारे लक्षण बताए जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि दुनिया में पाप खूब बढ़ जाएगा। आप समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना भी शुरू कर देंगे, और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले दिखाई नहीं देंगे, जो कि बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, आज कोई भी अपने बाल को रंगता हुआ दिखाई देता है, और आजकल तो किशोर भी अपने बाल को रंग लेते हैं और उन्हें छपरी कहा जा रहा है। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है, जो कि आज के समाज की सच्चाई है। दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे, और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कलयुग का काल यानी कलयुग का समय। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 432,000 साल लंबा है, और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग का 5121 वर्ष बीत चुका है और 426,880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी और बेमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी हो जाएगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा, जिसका कुछ अंश आज के समाज में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी नदियाँ सूख रही हैं। लोग अपने भाई को ही मार रहे हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास
और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी, मानवता नष्ट हो जाएगी, लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने ही घर में शोषण होना शुरू हो जाएगा, अपने ही घर के लोग उसके साथ व्यभिचार करेंगे, बाप बेटी भाई बहन कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा, जो कि आज के समाज में भी है। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अब पवित्र हो जाएगा, किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी, पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। दोस्तों आइए अब जानते हैं शिव पुराण के अनुसार कलयुग। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे, दूसरे के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी, पराई स्त्रियों पर मनुष्यों का मन आसक्त होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे, सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझने लगेंगे, या ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे, संतान माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद में मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म को छोड़कर दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे, अर्थात अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे, वैसे संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे, वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ में घूमेंगे, स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट कर देंगे। वैश्यों की स्थिति आज के समाज में आप देख सकते हैं दोस्तों, वैश्य मतलब आज के बिजनेसमैन, वो अपने फायदे के लिए लोगों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे खाने पीने का सामान हो चाहे कोई और सामान हो, उसमें कितने तरह का वो मिलावट करते हैं ताकि वो अपने आप को फायदा पहुंचा सके। स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, वह सास ससुर से घृणा करेंगी, स्त्रियां किसी का भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी, यानी उनकी कोई सेवा नहीं करेंगी। दोस्तों आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच होती दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग ने मात्र 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो उस समय की स्थिति क्या होगी, यही सोचकर हमारा डर से रूह कांप उठता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पीने का पानी नहीं होगा, सामान नहीं होगा, पेटियां भी चुरा लेंगे, चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी, चोरों से चोरी का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा, युगांत में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक मात्र 12 वर्ष होगी, लोग दुर्बल होंगे, क्रोध लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे, उस समय रोगों के कारण इंद्रियां भी क्षीण हो जाएंगी। दोस्तों इसके बाद कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नव युग प्रारंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा।
सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्रेम और प्रेम ही होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण करना आता होगा। आत्मा के परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम सतयुग की तरह अपने कर्मों पर ध्यान दें, कर्म से सतयुग की तरह जिए और उसी की तरह काम भी करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से इस कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।